शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कुआं नंबर 3 में मंगलवार को नवनिर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। विधायक कोष और डीएमएफटी योजना के तहत बने कक्षा कक्ष का बाड़मेर गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, शिक्षाविद कमल सिंह और अन्य अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं समारोह का आयोजन कर अतिथियों का सम्मान किया गया। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कुआं नंबर 3 में मंगलवार को नवनिर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। विधायक कोष व डीएमएफटी योजना के तहत बने कक्षा कक्ष का बाड़मेर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, शिक्षाविद कमल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कृष्ण सिंह रानीगांव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़मेर केसर दान रत्न, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य, उप सभापति सुल्तान सिंह देवड़ा, अंतरी देवी गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाचार्य अनीता चौधरी, मनोनीत पार्षद भीम सिंह, रेलवे कुआं नंबर 3 के प्रधानाचार्य शैनीदान चारण व अन्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन के साथ की गई। तत्पश्चात अतिथियों का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की बालिकाओं की ओर से नृत्य व गायन की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मेवाराम जैन ने राज्य सरकार की शिक्षा को लेकर अपनाई गई नीति से सभी को अवगत करवाते हुए कहा कि शिक्षा पर सभी का हक है और इसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है और उसी अनुरूप प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो मैं आज चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के वहां पर शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी के बारे में उनके रहते कोई दूसरा बात करे तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, इसलिए उनकी उपस्थिति अपने आप में सब कुछ कह जाती है। रेलवे कुआं नंबर 3 स्कूल में मंगलवार को आयोजित हुए नव निर्मित कक्षा कक्ष के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानाचार्य ने बालिकाओं के लिए शौचालय के निर्माण की मांग की। इस पर विधायक और सभापति ने विद्यालय प्रशासन को आश्वस्त किया। समारोह में सैकड़ों की संख्या में बालक बालिकाओं के साथ ही अभिभावक व वार्डवासी मौजूद रहे।